तो दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें आपको बताऊंगा आपने जो फेसबुक का अकाउंट होता है उस पर आप जो है नाम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। फेसबुक पर जैसे न्यू अपडेट आया है अब जो है नाम वहां से चेंज नहीं होता है, वहां पर ऑप्शन ही गायब हो चुका है। तो ऐसे में हम किस तरीके से अपना नाम चेंज कर सकते हैं फेसबुक पर आज की वीडियो आपको बताऊंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ सके और आप भी अगर नाम चेंज करना चाहते हो तो आप इजीली कर सको। तो चलिए दोस्तों आज किस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित रासुबे का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक ही बात बोलूंगा मैं कि अगर आपका फेसबुक एप्लीकेशन जो है अपडेट नहीं है तो सिंपली आपको जो है अपडेट कर देना है। जैसे अपडेट होता है उसके बाद आपको फेसबुक की एप्लीकेशन पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या कर देना है। पहले हम क्या करते थे, हम प्रोफाइल पर जाते थे, देन यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर हम जैसे क्लिक करते थे यहाँ पर ऑप्शन आ जाता था अपने नाम चेंज करने का, या फिर हम जो है नाम चेंज कर सकते थे। तो अब जो है यहाँ पर नाम चेंज करने का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, तो हम बैक कर देंगे। अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पर हमें जो है थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है, या फिर आपका जो प्रोफाइल का आइकन बना होगा यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप थ्री लाइन पर जाते हो आपको यहाँ पर ऊपर ऊपर एक सेटिंग का आइकन दिखेगा, या फिर आपको ऐसा नहीं आता है तो आपको नीचे नीचे चले जाना, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। तो आपको क्या कर देना है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ऊपर ऊपर एक ऑप्शन आ चुका है सेटिंग्स का, जो कि अभी आप देख सकते हो। तो सेटिंग्स पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे हम सेटिंग्स पर जाते हैं यहाँ पर जो है अकाउंट सेंटर का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऊपर ऊपर आप देखोगे तो अकाउंट सेंटर मेटा लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, इस पर आपको सिंपली कहीं भी क्लिक कर देना है, मतलब उतने बॉक्स में आपको कहीं भी क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है बहुत सारे, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्लिक कर देना है आपके प्रोफाइल्स पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफाइल्स, तो आपको सिंपली प्रोफाइल्स पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो देन यहाँ पर आ चुका है आपका नाम, जो कि आप रखोगे मतलब आपने रख रखा है पहले, वो यहाँ पर आपका नाम शो कर देगा। जैसे मैंने रोहित व्यास रख रखा है तो यहाँ पर रोहित व्यास जो है यहाँ पर शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर दूंगा, आपको भी ऐसे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नेम का ऑप्शन, जो कि आप देख सकते हो। तो नेम पर हम क्लिक कर देते हैं। नेम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, जो कि हम पहले नॉर्मल जैसे हम पहले जो है चेंज करते थे उसी टाइप से आता है, पर ऑप्शन जो है गायब हो चुका है वहाँ से। अब आपको जो है सेटिंग में जाकर अकाउंट सेंटर में जाकर यहाँ पर नाम चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप जो है चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर फर्स्ट नेम आपको डाल देना, मिडिल नेम अगर कोई हुए, मिडिल नेम अगर कोई है तो यहाँ पर आपको डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद हमें क्या कर देना है, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ रोहित, फिर से इसको जो है ऐसे वैसे कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आप नाम चेंज कर रहे हो तो आपको सोच समझ के ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक बार आप नाम चेंज कर दोगे उसके बाद 60 दिनों के बाद ही जो है आप नाम चेंज कर सकते हो, उससे पहले आपका नाम जो है चेंज नहीं होगा। तो एक ही बार ना आपको जो सही लगे नाम वही यहाँ पर आपको डाल देना। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, रिव्यू चेंज का ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा, तो रिव्यू चेंज पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन आपको शो कर देगा, मतलब सजेस्ट करता है आपका नाम रोहित व्यास रखना चाहते हो या फिर व्यास रोहित रखना चाहते हो, तो हम जो है रोहित व्यास ही रखेंगे। तो सेव चेंजेस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं नेम अपडेटेड सक्सेसफुली यहाँ पर दिखा चुका है और आपका जो नाम है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप जैसे इस पर चेंज करोगे आप प्रोफाइल में एक बार रिफ्रेश कर देना, उसके बाद आपकी प्रोफाइल में जाना है, यहाँ पर जो है आपका नाम जो है चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने फेसबुक का जो अकाउंट होता है उस पर अगर नाम चेंज आप करना चाहते हो तो इसी तरीके का यूज़ करके आप कर सकते हो अपडेट के बाद। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि और भी ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।